नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज की बड़ी खबर में अब बात हम बिहार की करने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए का भविष्य क्या है? देखिए, लालू से अलग करके बीजेपी ने नीतीश को अपने साथ जोड़ा, लेकिन नीतीश रहकर उनकी पार्टी के नेता रहकर बीजेपी को झटका देते रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35 को लेकर जेडीयू ने हल्ला बोल दिया है। जेडीयू के केसी त्यागी ने कह दिया है कि जो भी 35 से हटाने की बात करेगा हम उसका विरोध करेंगे। अब इसे जरा समझिए, हटाने की बात बीजेपी की ओर से ही हो रही है और केसी त्यागी बीजेपी का ही विरोध करने की बात कह रहे हैं। मेहमान आए थे, उनका कैसे स्वागत? 70 और उसके तहत 35A के पक्षधर है और इसको हटाने का कोई भी प्रयास होगा हम उसका विरोध करेंगे। तो देखिए, आपने केसी त्यागी को सुना। केसी त्यागी जेडीयू के नेता बहुत साफ तौर पर कहते हुए कि अनुच्छेद 35 है को जो भी हटाएगा हम उसका विरोध करेंगे। हटाने की बात बीजेपी ही कहती रही है, तो अपने ही सहयोगी का विरोध करेंगे क्या केसी त्यागी? देखिए, क्या है अनुच्छेद 35 है इसको भी समझिए। 4 मई 1954 को संविधान में नया अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। ये धारा 370 का ही एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित है 35A। सरकार, विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है और उसी के तहत शक्तियां लेकर अनुच्छेद 35A को लागू किया गया। 35A बाहरी को स्थायी संपत्ति खरीदने से रोकता है जम्मू कश्मीर में। ना आप जम्मू कश्मीर के नागरिक बन सकते हैं अगर आप किसी और राज्य के बाशिंदे हैं, ना आप जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं। स्थायी तौर पर रहने या राज्य सरकार की नौकरी की इजाजत भी आपको नहीं देता अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है। आइए एक बार फिर से इस पूरे विवाद को सामने जो लेकर आए हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, उन्हें सुनते हैं कि वो 35A पर क्या कह रहे हैं। जनता दल यू आर्टिकल 370 और उसके तहत 35A के पक्षधर है और इसको हटाने का कोई भी प्रयास होगा हम उसका विरोध करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।